नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज कुछ ऐसा हुआ कि लगा नरेंद्र मोदी के सारे दुश्मन गिर गए, हर स्तर से गिर गए। भाषा के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, सीटों के स्तर पर, लोकप्रियता के स्तर पर भी। चुनाव में 250 दिन बचे हैं और इस वक्त मोदी के दुश्मनों की भाषा बिल्कुल बिगड़ गई। मोदी के सारे दुश्मन तू तू मैं तू तड़ाक वाली लाइन पर चल गए। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ खासकर कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही सनसनीखेज पोस्टर निकाले, नई फिल्में रिलीज की। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए एक नया कैंपेन पूरी स्ट्रैटेजी के साथ लॉन्च किया गया। और ये पोस्टर कोई छोटे ब्लॉक लेवल के नेताओं ने नहीं निकाले हैं, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने मोदी की तस्वीर लगाकर ऐसे विवादित पोस्टर जारी किए हैं। चुनाव से 250 दिन पहले कांग्रेस एक नया वॉर प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी है। क्या बीजेपी के पास इस नई युद्ध नीति का जवाब है? आज एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी की लीड बढ़ गई और मोदी के सियासी दुश्मनों का कद गिर गया? समझते हैं इस रिपोर्ट से। पप्पू, फेंकू, पप्पू पंती, शिकंजी, परम ज्ञानी, अज्ञानी, पीआर वाला प्राणी, दुष्ट, दुराचारी, जुवारी, साहेब की झूठी पार्टी, मोडानी, अधर्मी, ये सारे शब्द किसकी डिक्शनरी से निकले हैं? अब तू तलाक पर कौन उतर आया है? ये बिग पॉलिटिकल फाइट है जिसमें एक तरफ राहुल की पार्टी है, दूसरी तरफ मोदी की पार्टी है और दोनों तरफ से जबरदस्त छींटाकशी है। 24 की लड़ाई 23 में ही शुरू हो गई है, ग्राउंड जीरो पर नहीं, कहीं और ही तू तू मैं हो रही है। मोदी वर्सेस ऑल की ये लड़ाई कहां लड़ी जा रही है? दुश्मन एक गाली देकर जब ताली बजाता है तो मोदी की टीम कैसे काउंटर अटैक करती है? अगला पीएम कौन होगा इसकी फाइट में क्या मोदी ही राइट चॉइस है? और क्या इसीलिए राहुल अभी से आउट ऑफ साइट हैं? कांग्रेस दावे तो कर रही है कि 24 में एक ही विकल्प राहुल ही पीएम। कांग्रेस ये भी लिख रही है कि 24 में फकीर झोला उठाकर चला जाएगा, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है मोदी ही नंबर वन, मोदी ही 24 में पीएम। मोदी वर्सेस राहुल की ये फाइट इस वक्त पॉलिटिकली नहीं, सोशली लड़ी जा रही है। जमीन पर पब्लिक के बीच, यानी पब्लिकली नहीं, वर्चुअली लड़ी जा रही है। और इस वर्चुअल लड़ाई का नाम है 24 में आर या पार, अब की बार पोस्टर वॉर। शुरुआत मोदी पर निजी हमले से होती है। एक बंदे ने सब तहस नहस कर दिया। कांग्रेस की टाइमलाइन पर यह पोस्टर दिखता है। इसके जवाब में सिर्फ एक बंदा काफी है, कांग्रेस को तबाह करने वाला पोस्टर रिलीज हो जाता है और यह हमला बीजेपी की तरफ से होता है। इस पोस्टर को फुल फ्रेम देखिए और ऊपर लिखा कैप्शन पढ़िए, नीचे लिखी पंचलाइन देखिए। कांग्रेस प्रधानमंत्री और अडानी की फोटो चिपकाकर मोदी को ताना मारती है, आपत्तिजनक शब्द लिखती है। जवाब में बीजेपी नेहरू तक पहुंच जाती है। देख लीजिए बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से कौन सी लाइन लिखी जाती है, कौन सी फोटो चिपकाई जाती है। कांग्रेस की ट्रोल आर्मी कोरोना काल की फोटो डालकर, काम ऐसा करो वाला कैप्शन चिपकाकर मोदी पर हमला करती है। एक फोटो वायरल कराती है तो बीजेपी बैक टू बैक 4 फोटो के साथ मैदान में कूद पड़ती है। फोटो नंबर 1 देखिए, टेक्स्ट पढ़िए। फोटो नंबर 2 देखिए, नरेशन पर गौर कीजिए। फोटो नंबर 3 राहुल को ट्रोल करने का पैटर्न देखिए। बीजेपी तो कांग्रेस पर यह कहकर भी हमला करती है कि सरकार ऐसी चलाओ कि इमरजेंसी न लगानी पड़े। यह 24 से पहले परसेप्शन की लड़ाई है जिसमें कांग्रेस मोदी के खिलाफ जितनी पर्सनल होती है, बीजेपी उतनी ही फोर्स के साथ, पावरफुल नरेशन के साथ राहुल पर तीखी टीका टिप्पणी करती है। आपने नोट किया होगा, इंडिया से लेकर अमेरिका तक राहुल ने एक शब्द बार बार रिपीट किया और कहा कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। राहुल ने यह नारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था, मगर कांग्रेस ने इसे अभी भी अपना स्लोगन नंबर 1 बना रखा है। अमेरिका टूर पर राहुल ने इसी डायलॉग का इस्तेमाल मोदी पर अटैक के लिए किया, लेकिन अब बीजेपी भी इसी स्लोगन के खिलाफ, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रही है और यह पोस्टर छापा गया है। यह इकलौता पोस्टर नहीं है, बीजेपी के सोशल मीडिया टीम ने तो कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान को करप्शन की दुकान तक डिक्लेयर कर दिया है। राहुल पर कुछ इस अंदाज में तीखे शब्दों वाले हथियार से पॉलिटिकली प्रहार किया है।
राहुल की मोहब्बत वाली दुकान को अधर्म की मोहब्बत वाली फितरत बता डाला है। मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने जिस पोस्टर वॉर की शुरुआत की थी, अब वही पोस्टर वॉर कांग्रेस के इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है। इस वॉर की शुरुआत ही मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए हुई थी, इसीलिए अलग अलग पोस्टर्स में मोदी के तख्ता पलट की बात फिट की गई थी। मगर मोदी की पार्टी ने जो अग्रेसिव लाइन पकड़ी, उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि 24 के लिए 23 में शुरू हुई पोस्टर वॉर में बीजेपी ने लीड ले ली है। फिलहाल तो वही विनर दिख रही है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक नया बवाल उसी पुराने नाम पर शुरू हो गया है, यानी नेहरू। दिल्ली के तीन मूर्ति हाउस में मौजूद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी NMML का नाम बदल दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार की दलील है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में देश के सभी प्रधानमंत्रियों का अपना महत्व है और देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान जन जन तक पहुंचाने के लिए ही यह फैसला लिया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही NMML का नाम बदला गया है। मगर इस एक फैसले ने कांग्रेस की दुखती रख पर हाथ रख दिया है। यहां भी कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी पर ही पर्सनल अटैक किए। जयराम रमेश तो एक स्टेप आगे बढ़ गए। उन्होंने मोदी के लिए प्रतिशोध का दूसरा नाम जैसे शब्दों का प्रयोग किया। मोदी को छोटे कद का स्वघोषित विश्वगुरु डिक्लेयर कर दिया। आज आपने पुनः छोटा मन देश के सामने अपना छोटा मन दिखा दिया। आप मोदी जी का नाम तो नेहरू मेमोरियल से पंडित जी का नाम तो हटा दोगे, पर 140 करोड़ देशवासियों के दिल में आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में पंडित जी का नाम अंकित है, उसको कैसे हटाओगे? मोदी जी, आपकी प्रॉब्लम यह है कि 9.5 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद आप पंडित जी के मुकाबले अभी तक यहाँ तक पहुँचे। पंडित जी का व्यक्तित्व वहाँ पे है, तो आप उनका व्यक्तित्व का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो उनका नाम हटाने का आपने फैसला कर लिया। पर जैसा महात्मा गांधी ने कहा है कि महापुरुषों का जितना अपमान होता है उतना ही उनका मान बढ़ता जाता है, तो आप इस तरह की छोटे हरकतें और छोटा मन देश के सामने दिखाते रहिए, पर जो पंडित जी का व्यक्तित्व है वो इतना विशाल है, वो इतना महान है, एज एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया वो देश के लोगों के मन में है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। ये बात सही है कि 1948 में जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो तीन मूर्ति भवन ही उनका आधिकारिक आवास था। वो 16 साल तक इस घर में रहे और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। कांग्रेस का सोचना है कि देश में चाहे कहीं भी कुछ भी बना हो, उससे गांधी परिवार का नाम जरूर जुड़ा होना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि क्या सिर्फ एक परिवार ने ही इस देश को पीएम दिए? क्या दूसरे प्रधानमंत्रियों का सम्मान नहीं होना चाहिए? जेपी नड्डा ने तो ये तक कह दिया है कि कांग्रेस का अप्रोच ही यही है कि देश के बाकी प्रधानमंत्रियों का इतिहास मिटाओ और सिर्फ गांधी परिवार को ही चमकाओ। कांग्रेस नाम बदलने को लेकर पॉलिटिकल लाइन लेंथ लेकर तो बैठ गई है, गांधी परिवार की वाहवाही भी कर रही है, मगर एक सच छिपा रही है। और सच ये है कि मोदी सरकार ने ये मेक श्योर किया है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के हर पीएम को सम्मान मिले। संग्रहालय में पंडित नेहरू से जुड़े सेक्शन से कोई छेड़खानी नहीं हुई है, उसे पहले से कहीं ज्यादा वैभवशाली बनाया गया है। मुझे लगता है शायद मोदी जी के विरोध का जो वो मोदिया बिंद उनकी आंखों में है, उसमें वो अपने पराये का भी भेद नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? क्या अंदर जाके देखा किस तरह की अवस्था में वो पहले था? मतलब जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि धूल फांक रहे थे, आज किस तरीके से व्यवस्थित करके, मैं नेहरू जी के ही पोर्शन की बात कर रहा हूं, नेहरू जी से जुड़ी चीजों के बारे में जिस प्रकार से व्यवस्थित करके मॉडर्न स्वरूप में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका डिजिटल डिपिक्शन यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है, क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई थी 2014 में तो नेहरू जी की 125वीं वर्ष था, पूरे मान सम्मान के साथ वो 125वां वर्ष मनाया गया था और उस समिति के अध्यक्ष उस समय के हमारे गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी थे और
समझ में नहीं आता है, कांग्रेस को अपने नेताओं से क्या समस्या है? ये बताइए, एक परिवार की बात करते हैं तो कोई इंदिरा जी से प्रॉब्लम है क्या? इंदिरा जी का भी तो उसमें पूरा व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है कार्यकाल का। राजीव जी से कोई समस्या है क्या? या लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति थोड़ा कम हो तो समझ सकते हैं, नरसिम्हा राव जी के प्रति आपके मन में कटुता हो समझ सकते हैं, पर ये इंदिरा जी राजीव जी से क्या समस्या है? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते हैं। मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करें तो दिक्कत, मोदी पूरे सम्मान के साथ पंडित नेहरू और देश के बाकी सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करें तो दिक्कत। ऐसा लग रहा है मानो मोदी कुछ भी करें, कांग्रेस के इकोसिस्टम को हर चीज से दिक्कत ही होती है। आपने नोट किया होगा, पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली गई भाषा मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। डरपोक, कायर, विषगुरु, ये सिर्फ कुछ शब्द हैं, लिस्ट लंबी है। और इस गाली गलौज की एक दूसरी वजह भी है। बस चंद दिनों के बाद मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मोदी को स्टेट डिनर देने वाले हैं। मोदी का यूएस विजिट पावर पैक्ड होगा और ये देश में कांग्रेस के लिए एक सेटबैक होगा। इसीलिए कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इस हिस्टोरिक इवेंट से पहले भी मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। सोचिए, इस वक्त पूरा अमेरिका मोदी का इंतजार कर रहा है। मोदी के हिस्टोरिक विजिट से पहले वॉशिंगटन डीसी, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई भी लोकेशन ले लीजिए, हर लोकेशन से अमेरिकी संसद से जुड़े टॉप सेनेटर्स वेलकम टू यूएस प्राइम मिनिस्टर मोदी वाला ही मैसेज भेज रहे हैं। उस वक्त भी देश के भीतर मोदी के दुश्मन राजनीति कर रहे हैं। I want to welcome Prime Minister Modi to our great country. On behalf of my fellow Kansans, I would like to extend a warm welcome to Prime Minister Narendra Modi. Welcome to Washington, D.C., Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, welcome to the United States of America. I look forward to welcoming Prime Minister Modi to the United States Capitol and hearing his address to a joint session of Congress later this month during his historic state visit. I wanted to take a moment to recognize Prime Minister Modi's upcoming visit to Washington, D.C. We are looking forward to hearing Prime Minister Modi address a joint session of Congress. And I want to welcome Prime Minister Modi to Washington, D.C. and thank him for his visit to our country. We wish to extend the warmest welcome and best wishes to the Honorable Narendra Modi. This is a relationship to be celebrated as we welcome India's Prime Minister to Washington, D.C. next week. एक तस्वीर ये है जब राहुल अमेरिका में रहते हुए भारतीयों से मिलते हैं तो उनके सामने मोदी को कोसते हैं, और दूसरी तस्वीर ये है जब हाथों में तिरंगा लिए भारतीय हिंदुस्तान के पीएम को अपना वेलकम मैसेज भेजते हैं, मोदी पर गर्व करते हैं, ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती हुई ताकत पर फख्र करते हैं। मोदी जी यूएस आ रहे हैं और ये हमारी पूरी इंडियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है, स्पेशली क्योंकि ये जो विजिट है मोदी जी की, ये बहुत हिस्टोरिक विजिट है, ये स्टेट विजिट है और ये बहुत फ्यू कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर को यूएस ऑनर अकॉर्ड करता है, तो ये पूरी हमारी इंडियन कम्युनिटी के लिए एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट हो रहा है इस बार, एंड ये पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी की रिस्पेक्ट एंड जो एक ग्लोबल वैल्यू ऑफ इंडियंस होती है वो सब जो है ये विजिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। एंड हम यहाँ पे आ जाइए, हम यहाँ भी यही देख रहे हैं कि पूरी इंडियन कम्युनिटी बहुत एक्साइटेड है और हम वेट कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे एंड वी लुक फॉरवर्ड कि वो क्या स्पीच देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी से नफरत करते करते भारत में बैठा इकोसिस्टम अब देश से ही नफरत करने लगा है, और इसमें कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है, एक नाम आम आदमी पार्टी का भी है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर देती हैं, तो भारत की सफलताओं की कहानी को कमतर करके पेश करती हैं। ये तक कह देती हैं कि भारत भले ही सबसे फास्टेस्ट G20 इकोनॉमी हो, लेकिन भारत की हालत श्रीलंका से भी बदतर है। यानी आतिशी ने वही कहा जैसी भारत विरोधी लाइन राहुल ने अमेरिका में पकड़ी। दो युवा नेता हैं,
एक अमेरिका जाता है और अमेरिका पहुंचते उसको माइनॉरिटीज की इंडिया में सिचुएशन याद आती है, हाँ ठीक है, उसको हमने याद करवाया 1983 में जब तेरी 13 साल आयु थी उस समय 2000 आदमी 2000 हमारे भाई बहन नेली असम में मैसेकर में मारे गए। जब तेरी 14 साल आयु थी तो सिखों के साथ जो प्रोग्राम हुआ हमारी कम्युनिटी के, आप और मेरी कम्युनिटी के खिलाफ, और वो अभी एक और युवा नेता है जिसका नाम है मार्लिन उसका सरनेम वो मार्क्स और लेनिन, मार्लिन मार्क्स और लेनिन, वो जाके इंग्लैंड में कहती है भारत में 35 करोड़ लोग भूखे हैं। अरे भाई, जो प्रधानमंत्री जी जो 80 करोड़ हमारे भाइयों बहनों को मुफ्त राशन दे रहे दिन में, वो तेरे बाकी 35 कहां से है? देखिए, इन लोगों की बात आप सीरियसली ले, मैं समझता हूं कि आप इसको फोकस करना बंद कर रहे। दरअसल भारत में बैठे मोदी विरोधियों को दिक्कत इस बात से है कि मोदी की लीडरशिप में देश इतनी तरक्की कर कैसे सकता है। उन्हें कुछ और नहीं तो पाकिस्तानियों से ही सीख ले लेनी चाहिए, जो मोदी मोदी करते नहीं थक रहे। मोदी अच्छा है जो अपनी हुकूमत को अपनी आवाम को कहां चल लेके चला गया है कि अगर लॉयल है तो वो तरक्की कर रहा है ना, अगर लॉयल ना होता तो तरक्की कैसे करता। अगर पाकिस्तान की बात करते तो हम उनसे 1000 साल पीछे, हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। और उनका फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो उनका ब्राइट ही ब्राइट है, वो जहां भी चली जाए उनका ब्राइट है। मैं यूएस जाना पसंद करूंगी, ना मैं ऑस्ट्रेलिया ना मैं अमेरिका, कहीं पर भी जाना मैं पसंद ना करूँ। अगर मैंने रहना ही है तो मैं फिर इंडिया में ही शिफ्ट होना पसंद करूंगी, क्योंकि यहाँ हमें जो नहीं मिल रहा वो हमें इंडिया में मिलेगा, बहुत सहूलियात और हर एक चीज़ बेनिफिट के साथ, तो मैं इंडिया को अलॉक करती हूं। नरेंद्र मोदी साहब द ग्रेट और इंडिया इज द बेस्ट। इस बीच मोदी के अमेरिका विजिट से ठीक पहले एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि भारत अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन्स खरीदने जा रहा है, यानी जिस ड्रोन से अलकायदा चीफ मारा गया उसे अब भारत खरीदेगा। चीन पाकिस्तान की हर ताकत पर नजर रखेगा। अमेरिका दौरे पर मोदी और बाइडेन मिलकर इस डील पर साइन करेंगे और इसका डर बॉर्डर पार दिखने लगा है। अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है या जिस तरह जो जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता। मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 30 को 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो खरीद रही है और ये ड्रोन सारी बात है, इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। तो आप इसे इमेजिन, आपको लग रहा है, लग जाना चाहिए कि इंडिया के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर और सारा कुछ है दैट इज़ एट पार विद द वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। और अब मज़े की बात बताऊं, अगर आप किसी इंडियन से बात करें और पूछें कि ये जो आप इतनी मिलिट्री कर रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, तो चाइना के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान का बोलो, नहीं 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 पाकिस्तान की तो है ही कोई नहीं, वो नहीं 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 वो तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। भाई ये कैसे हो सकता है? घर में बात करते हैं टू फ्रंट वॉरफेयर की, जब पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो नहीं नहीं वो तो हम तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, ये तो चाइना के लिए, 100% पाकिस्तान के लिए, 100% ये पाकिस्तान के लिए है। सोचिए, मोदी भारत को ताकतवर बना रहे हैं, विरोधी कमजोर बनाने पर तुले हुए हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये काम मोदी कर रहे हैं। और मोदी हटाओ मोर्चा की ये भारत को कमजोर करो वाली पटकथा 24 के लिए ही लिखी गई है। और अब बात महातूफान बिपरजॉय की, जिसकी वजह से गुजरात में 4600 गांव की बिजली की सप्लाई ठप है। 800 से 1000 पेड़ गिरने की खबर है। 9 पक्के और 20 कच्चे मकान गिर गए। 447 कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा। 65 झोपड़ियां तूफान में तबाह हो गई और राहत की बात यह रही कि जान किसी की नहीं गई। लेकिन गुजरात के लोग अभी भी बहुत बुरी तरह से सहमे हुए हैं। खास तौर पर गुजरात के समंदर तट के नजदीक रहने वाले लोगों को यह डर लग रहा है कि बार बार ये तूफान क्यों आ रहा है और इसका निशाना अरब सागर ही क्यों बन रहा है। जिन लोगों ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाला यह साइक्लोन देखा है उन्हें वो मंजर बार बार याद आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि तूफान अब हर साल का काम क्यों हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिपरजॉय खत्म हुआ तो अब कोई तूफान आएगा नहीं। तूफान फिर आएगा, नए नाम से आएगा, क्योंकि अरब सागर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यह समस्या क्या है आप देखिए। Thank you.
अरब सागर से महातूफान उठा और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। एक हजार से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, पांच हजार एक सौ बीस से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए, 4600 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल हो गई, 2000 की वजह से जो तेज हवाएं द्वारका में बही हैं, जिस स्पीड में बही हैं, उसने द्वारका का क्या हाल किया है? ये मोटा दरख्त गिरा है, पेड़ गिरा है, साथ ही वो साथ में अपने साथ जो वहां पे इलेक्ट्रिक का पोल था, बिजली का खंबा था, उसे भी अपने साथ ले गया है। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ के हालात हैं। ये अपने आप में बयान करती है तस्वीर के कितना भयानक वो दृश्य रहा होगा जब ये तूफान यहाँ से गुजर रहा था। लगातार बारिश हो रही है कल शाम से, और उसके बाद आप देखिए यहाँ ये जो सिविल लाइन्स की कॉलोनी है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग और दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो यहाँ रहते हैं, यहाँ कमर कमर तक पानी भर गया। लेकिन क्या इस तबाही के लिए कुदरत नहीं, इंसान जिम्मेदार है? क्या धरती का तापमान बढ़ने से समंदर में महातूफान आ रहे हैं? अरब सागर में ही सबसे ज्यादा खतरनाक तूफान क्यों आ रहे हैं? इस नक्शे में आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों दिख रहे हैं। भारत के दोनों तरफ यही समंदर है। आम तौर पर हर साल 5 तूफान आते थे और इनमें से सिर्फ एक ही अरब सागर में आता था और बाकी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ बदल गया है। 2019 में अरब सागर ने बंगाल की खाड़ी को पीछे छोड़ दिया और उस साल 5 में से 3 साइक्लोन अरब सागर में ही आए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इस क्यों का भी जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में अरब सागर में कौन कौन से बड़े तूफान आए हैं। तो 2018 में मेकानू नाम का साइक्लोन आया जो ओमान के तट से टकराया था। 2019 में सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्यार आया जिसने भारी नुकसान पहुंचाया। जून 2020 में चक्रवात निसर्ग आया जिसने महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में भारी नुकसान किया। इसके बाद मई 2021 में साइक्लोन तौकते आया जो गुजरात के दक्षिणी तट से टकराया था, और अब जून 2023 में बिपरजॉय आया है जो गुजरात और राजस्थान में अभी भी नुकसान पहुंचा रहा है। अरब सागर में तूफान आने का मतलब है अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि भारत के समुद्री व्यापार का 70% हिस्सा इसी अरब सागर के बंदरगाहों से होता है। अरब सागर में भारत के कांडला, मुंद्रा, पिपावा, दहेज, हजीरा, मुंबई, नवाशेवा, मोर्मुगोवा, न्यू मैंगलोर और कोचीन पोर्ट हैं। अकेले गुजरात में ही 40 छोटे बड़े बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों से हर रोज अरबों रुपए के सामान का व्यापार होता है। अब तूफान की सूरत में इन पोर्ट से पूरा व्यापार बंद रहता है, जिसका सीधा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को होता है। जब बिपरजॉय जैसे बड़े तूफान आते हैं तब न सिर्फ पोर्ट को बंद करना पड़ता है बल्कि किनारों पर बसे गांव और शहरों को भी बंद करना पड़ता है। पूरी मशीनरी और सिस्टम को इस तूफान से लड़ने के लिए लगा दिया जाता है, जैसा कि हम पिछले 5 दिनों से गुजरात में देख रहे हैं, और इन सब की वजह से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। पर सवाल ये है कि महातूफान यानी कि साइक्लोन का ये ट्रेंड अरब सागर में क्यों शिफ्ट हो गया है? पहले जो तूफान ज़्यादा बंगाल की खाड़ी में आया करते थे वो अब अचानक से अरब सागर में क्यों आने लगे हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको
पहले ये समझना होगा कि समंदर में तूफान कैसे बनते हैं। समुद्री तूफान बनने का सीधा संबंध उसकी सतह के तापमान से होता है। साइक्लोन समुद्र के तापमान में वृद्धि की वजह से ही बनते हैं। एक्स्ट्रा गर्मी की वजह से कम दबाव के क्षेत्र बनते हैं, जिससे हवाएं और तेजी से चलती हैं और फिर वो एक बड़े समुद्री तूफान में बदल जाती है। बंगाल की खाड़ी का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि अरब सागर का तापमान इससे 1 से 1.5 डिग्री कम रहता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह तापमान लगातार बढ़ रहा है और अब अरब सागर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो गया है। पिछले एक दशक यानी कि 10 सालों में अरब सागर की सतह के तापमान में 1.2 डिग्री से 1.4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी वजह से चक्रवात पैदा करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है वो आसानी से मिल जाती है। और यही वजह है कि अरब सागर में पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा चक्रवात आ रहे हैं। 1982 और 2000 की तुलना में 2001 और 2019 के बीच अरब सागर में चक्रवाती तूफानों की संख्या में 52% की वृद्धि हुई है। इस दौरान बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफानों में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। पहले अरब सागर की सतह ठंडी थी, जिसकी वजह से समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र या कहें गहरे खड्डे बनते थे। पश्चिम, मध्य और उत्तर अरब सागर की सतह ठंडी थी, जिस वजह से कम तूफान बनते थे। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन की वजह से अरब सागर की सतह का तापमान ज़्यादा होता है। इस वजह से न सिर्फ तूफान आते हैं बल्कि इनकी तीव्रता भी बहुत ज़्यादा होती है। भारत के अरब सागर से उठने वाले तूफानों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज्यादातर उनके निशाने पर गुजरात ही होता है। इसीलिए हाल के वर्षों में गुजरात ज्यादा शिकार हो रहा है। आम तौर पर अरब सागर में जो तूफान बनते हैं उनकी दिशा गुजरात की ओर होती है। कोरोना के समय 2020 में गुजरात सरकार ने अरब सागर के प्रभाव पर एक रिसर्च करवाई थी, जिसमें पता चला कि भावनगर और नवसारी के तट पर चक्रवात का खतरा सबसे ज्यादा है। भावनगर और अहमदाबाद अति उच्च क्षति संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि तट के 100 किलोमीटर के भीतर 17 जिले या उनके उपनगर उच्च क्षति संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गुजरात के लगभग हर जिले में समुद्री तूफान की आशंका है। लेकिन अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, सूरत, नवसारी, राजकोट, कच्छ, जूनागढ़, आणंद, भरूच, वलसाड, पोरबंदर, मोरबी, देवभूमि द्वारका और गिर सोमनाथ जिले उच्च क्षमता वाले समुद्री तूफान की आशंका वाले जिले हैं। वडोदरा और अमरेली जिलों में मध्यम संभावना है, जबकि सुरेंद्रनगर और खेड़ा कम संभावना वाले क्षेत्र हैं। ये जिले गुजरात की अर्थव्यवस्था की जान है और अभी भी इस पर बिपरजॉय तूफान में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं जिलों में हुआ है। इस तरह के तूफान न सिर्फ जानमाल का नुकसान करते हैं बल्कि पर्यावरण पर भी इनका लंबे समय तक असर रहता है। जैसे कि तूफान के बाद आई बाढ़ में फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तेज आंधी में प्राकृतिक वनों को नुकसान पहुंचता है। जो वन या पेड़ दशकों में तैयार होते हैं वो एक झटके में नेस्तनाबूत हो जाते हैं। उपजाऊ जमीन मिट्टी और दलदल बन जाती है, यानी समंदर का तापमान बढ़ रहा है, जिससे तूफान आ रहे हैं और ऐसी बर्बादी फैला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर समंदर का तापमान बढ़ क्यों रहा है? इसका सीधा जवाब है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन, जिसके लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। सारी दुनिया के महासागर 1970 से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से उत्पन्न 90% अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित कर चुके हैं, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं। इसी वजह से चक्रवात जल्द जल्द आ रहे हैं। समुद्र का 0.1 डिग्री तापमान बढ़ने का अर्थ है चक्रवात को अतिरिक्त ऊर्जा मिलना। समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण
हर एक डिग्री सेल्सियस पर 21% अधिक तूफान आते हैं। यानी अगर हमें ये तबाही रोकनी है तो हमें अपनी एंटी क्लाइमेट एक्टिविटीज पर रोक लगानी होगी। हमें हर हाल में क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा। हर साल ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी फील होने पर आप क्लाइमेट चेंज की बातें करने लगते होंगे, लेकिन आंकड़े ज्यादा डरा रहे हैं। 19वीं सदी की तुलना में धरती का तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ चुका है और वातावरण में CO2 की मात्रा में भी 50% तक वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को साल 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन अगर दुनिया के देशों ने ठोस कदम नहीं उठाए तो सदी के अंत तक धरती का तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर गुजरात में तूफानी बवंडर के बाद की एक ऐसी रात थी जब प्रधानमंत्री नहीं सोए, देश के गृह मंत्री नहीं सोए, सूबे के मुख्यमंत्री रात भर जागते रहे, प्रदेश के गृह मंत्री ग्राउंड जीरो पर डटे रहे, उनके साथ साथ पूरा सिस्टम रात भर नहीं सोया। जब उस रात की सुबह हुई तो क्या मंजर था, उसकी सच्चाई इस रिपोर्ट में देखिए। जखों में तूफान गुजरने के बाद तबाही का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। तूफानी हवाओं के साथ बारिश की बूंदें गोली की रफ्तार से टकरा रही हैं। क्या इंसान, क्या मकान, तूफानी हवाएं सबको उड़ा ले जाने पर आमादा हैं। मांडवी में तूफानी हवाओं का जोर बड़े बड़े दरख्त नहीं झेल पाए और जमीन से उखड़ गए। सैकड़ों पेड़ सड़कों पर आ गिरे। आर्मी और NDRF ने तूफान के बीच ही इन पेड़ों को काटकर हटाना शुरू किया ताकि रास्ते क्लियर रहे और राहत बचाव कार्यों में रुकावट नहीं आए। तूफानी हवाओं के साथ मांडवी में मूसलाधार बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। दुकानों और मकानों में पानी भर गया। हेल्थ विभाग की कॉलोनी तो दरिया बन गई। घरों की पहली मंजिल पर पानी भर गया। तूफान ने लोगों को इतना मौका भी नहीं दिया कि अपनी गाड़ियां और दूसरे सामान निकाल पाते। इस वक्त मांडवी में हैं हम, जहां गुरुवार शाम को जब से चक्रवात शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार हो रही बारिश ने कैसे लोगों का जीवन मुश्किल में डाल दिया है, उसकी तस्वीर यहां हेल्थ डिपार्टमेंट की इस कॉलोनी में आके आपको दिखेगी, जहां लोग अपने घरों के जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं वो घरों में बंद हैं और ग्राउंड फ्लोर वाले लोग जो हैं वो घर छोड़ करके चले गए हैं, घर पे ताले लगा के चले गए हैं। यहाँ पे आप देखिए पूरा जो ये इलाका है ये पानी में डूबा हुआ है, ये पूरी कॉलोनी। इसके बगल वाली जो कॉलोनी है वो भी इसी तरह से पानी में पूरी डूबी हुई है। भुज में तूफानी हवाओं ने जो तबाही मचाई उसे देखकर आप सिहर उठेंगे। सड़क पर जहां तक नजर जाती है बिजली के टूटे पोल और गिरे हुए पेड़ ही दिखाई देते हैं। अगर सरकार ने लोगों को अलर्ट मोड पर नहीं रखा होता तो जान माल का भारी नुकसान झेलना पड़ता। भुज में भारी बारिश के बाद हाईवे पर सैलाब आ गया। देखते ही देखते सड़क पानी में गायब हो गई। तूफानी हवाओं के साथ आई बारिश से भुज के आसमान पर अंधेरा छा गया। सड़कें गायब हो गईं। जो भी हवा में तैरते पानी के सामने आया उसे बारिश की बूंदें सुई की तरह चुभ रही थी। तेज हवाओं की वजह से जो कई घरों के जो छत हैं वो उड़ गए और जिस तरह से बरसात का पानी आ रहा है लग रहा है कि वो हमारे शरीर में किसी सुई की तरह चुभ रहा है। और द्वारका में तूफानी हवाओं का कहर गुरुकुल होटल पर टूटा, जहां खिड़कियों के शीशे टूट गए और सामान सड़क पर आ गया। यहां एक मोटर गैराज को भी तूफानी हवाओं का गुस्सा भारी पड़ा। वहां लगे टीन शेड तूफानी हवा में टूटकर जमीन पर आ गिरे। तूफानी हवाओं के साथ आई भारी बारिश से द्वारिका के कई इलाके जलमग्न हो गए। तो ये घर के अंदर ये बिजली का खंभा जो है वो चला गया है, यानी कि जो खिड़की था उसके अंदर ये बिजली का खंभा गया है।
स्पीड हवाओं की, जब मौसम विभाग ने बताया कि जब लैंडफॉल हुआ है तब स्पीड तकरीबन 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, और हवाओं की स्पीड ने क्या किया है द्वारका का हाल, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवान द्वारकाधीश मंदिर में नुकसान तो दूर, एक ध्वजा तक को तूफानी हवाएं नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।